Hey guys, assalamualaikum, welcome to my channel. I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. हम भी बहुत ही अच्छे हैं. तो आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है. आप लोग बने रहना. हाँ, गुड. हाय, हेयर टू प्ले हाउस विद ग्रेस. प्ले हाउस विद वेलकम बैक. तो अभी हम घर आ चुके हैं गुड़िया को स्कूल से लेके. ईद और बिहू अभी तो 1 वीक का डिफरेंस में ही आ रहा है. तो आज मोस्टली बिहू का शॉपिंग हुआ. ईद का शॉपिंग भी थोड़ा सा हो गया है, फिर भी मतलब बाकी है. और आज जो शॉपिंग किया, शॉपिंग हॉल देखने से पहले मैं और कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे कि अभी मैं एवरी डे बाहर निकल रही हूँ, सीज़न भी चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी, समर आ चुका है गुवाहाटी में. और एवरी डे गुड़िया को स्कूल लेके जाना, शॉपिंग पे जाना, ऐसे में स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाता है. और ईद भी आ रहा है, रमज़ान भी चल रहा है, तो थोड़ा सा स्किन केयर तो करना ही चाहिए. तो स्किन केयर में प्रॉपर वीडियो आपको वीडियो में मैं शेयर करूँगी आप लोगों से. तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी मेरा CTM, मैं अपने स्किन को कैसे क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग करती हूँ. तो शॉपिंग हॉल देखने से पहले आप देखिए मेरा CTM प्रोसेस. तो सबसे पहले फेस क्लींस करने का स्टेप आता है, जहाँ पे मैं एक बहुत ही माइल्ड फेस वॉश से अपने फेस को वॉश करूँगी. अभी मैं नायका हल्दी एंड चंदन फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ. इसका दूसरा वेरिएंट भी मैंने यूज़ किया है जो मुझे काफ़ी सूट करता है. और फिर एज ए टोनर मैं यूज़ करूँगी डाबर गुलावरी रोज़ वाटर. अगर इससे थोड़ा महंगा वाला आपको चाहिए तो आप कामा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं. और अपना एक कॉटन पैड में लगा के मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ. आप इसका स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं. इसका 1 मिनट रुकने से ये ड्राई हो जाएगा, फिर मैं यूज़ करूँगी मॉइस्चराइजर. तो यहाँ पे मैं डबल मॉइस्चराइजिंग कर रही हूँ क्योंकि वेदर बहुत ही ड्राई है. तो पहला पॉन्स जेल बेस मॉइस्चराइजर जो कि बहुत ही क्विक एब्जॉर्ब होता है और इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है. 1 मिनट रुकने से यह ड्राई हो जाएगा. फिर मैं लोटस प्रोफेशनल व्हाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजर यूज़ करूँगी जो कि आपके चेहरे पर एक हल्का सा ब्राइटनिंग ऐड करेगा. और अपना नेक और ईयर्स को मैं कभी भी इग्नोर नहीं करती. फेस पे जितना प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ नेक और ईयर्स के लिए सेम. फिर मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन अगर मैं बाहर जा रही हूँ या फिर मैं घर पे हूँ. कभी भी मैं सनस्क्रीन स्किप नहीं करती. सनस्क्रीन में अपना फेस या नेक और जितने भी एक्सपोज एरिया होंगे सभी मैं अप्लाई कर लूँगी. और लास्टली मैं अपने लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए एक लिप बम लगा लूँगी. होते हैं शॉपिंग से, बिहू है और गुड़िया के स्कूल में कुछ फंक्शन भी है, इसलिए हमने ये मिथिला चादर गुड़िया के लिए लिया है, चुका है. अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका डिटेल्स मिल जाएगा पहनते हुए वो कैसी लग रही है, क्योंकि नेक्स्ट डे ही उसका स्कूल में प्रोग्राम है, प्री बिहू सेलिब्रेशन होगा. और उसी के साथ ये बिहू ड्रेस मेरे लिए. ये भी है एक मेखला चादर पूरा सेट है. और उसके बाद है यहाँ पे एक ड्रेस, ये शायद ईद पे भी पहन सकती है या फिर दूसरा भी. और ये भी बहुत ज़्यादा ऑफर में था तो मैंने ले लिया. निकाला भी नहीं इसको अभी तक, देखा था जियोमेट्रिक पैटर्न में. ऐसा एक पहले मेरे पास था रेमन का, फिर से मैंने ले लिया.
और फिर आते हैं इफ्तारी बनाने के बारे। आज इफ्तारी के साथ मैं सहरी भी बना लूँगी, क्योंकि आज आफ्टर इफ्तारी मैं गुड़िया के साथ मैं भी जाऊँगी पार्क, और जब खेलने जाती है मैं एक दिन भी नहीं जाती, और आप लोगों को भी दिखाएंगे यहाँ का मेरे सोसाइटी का नाइट व्यू। तो ऐसा बन रहा है इफ्तारी, और उसी के साथ सहरी का भी पूरा प्रिपरेशन मैंने कर लिया है। Mm-hmm.